क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग, गाइस मैं हूं बोल्डन, आप सभी भाइयों को फिर से स्वागत कर रहा हूं गाइस पोकेमॉन इन्फिनिट फ्यूजन। एंड गाइस यहां पे हम लोग पोकेमॉन्स को ऐसे फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब गाइस हम लोग किसी भी पोकेमॉन को ले सकते हैं। म्यूटो को गाइस मैजिक कार्प के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं लिटरली। गाइस अगर म्यूटो को मैजिक कार्प के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या निकलेगा? तो गाइस हम लोग आ गए हैं इस वेबसाइट में। तो गाइस यहां से मैं म्यूटो लेने वाला हूं पहले तो। ओके गाइस मैंने यहां से म्यूटो लिया। एंड गाइस अब मुझे मैजिक कार्प लेना पड़ेगा। एंड देन गाइस देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। ओके गाइस आई एम वेरी मच एक्साइटेड गाइस। फिर हम लोग गेम पे जाएंगे तो अरे यार माँ कसम ये निकलता है क्या? अरे बोपरे गाइस। ओके गाइस इस बार क्या करेंगे, मैजिक कार्प और म्यूटो को अगर फ्यूज करेंगे तो अरे बोपरे ये क्या प्रोडक्ट निकल के आ गया यार, मैजिक 2। और गाइस अगर म्यूटो को पहले नंबर पे रखेंगे तो म्यू कार्प। ब्रो ये जो म्यू कार्प होगा ये भी बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। तो चलो गाइस अभी गेम में फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस हम लोग गेम में आ गए। एंड गाइस अभी आप लोग को एक चीज दिखाना चाहूंगा। गाइस मैं आप लोग को मेरे पोकेमॉन्स दिखाने वाला हूं। तो गाइस मेरे पास है अभी 2 फ्यूज पोकेमॉन्स। एंड दोनों पोकेमॉन्स से गाइस पीजी के साथ फ्यूज है। एक है गाइस पीजी और रेटाटा का फ्यूजन और वो है पिडेटा। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो पिडमेंडर है गाइस। ये है गाइस चार्मेंडर और पीजी का फ्यूज फॉर्म, ठीक है। एंड गाइस आज मुझे और भी पोकेमॉन्स को फ्यूज कराना है, बैटल करने हैं। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है मेरे वीडियो को डेफिनेटली गाइस लाइक कर देना। तो चलो गाइस पहला बैटल हम लोग करने वाला, और पहला बैटल नहीं कर पाएंगे क्या? वैसे हमें जाना किस तरफ है? ये Route 22 में हम लोग आ गए। और इसके साथ बैटल करना पड़ेगा। चेक दिस आउट, आई कॉट दिस 2 पोकेमॉन एंड फ्यूज देम टुगेदर यूजिंग DNS स्प्लाइसर। ओके गाइस इसके पास भी कुछ फ्यूज पोकेमॉन है, ठीक है चलो देखते हैं। ओके स्पियर के, अच्छा गाइस ये पीजी और गाइस आई थिंक गाइस फियोरो का फ्यूजन है। मेरे पास गाइस रेटाटा और व्हाट द हेल गाइस, रेटाटा और पीजी का जो फ्यूज फॉर्म है वो सिर्फ लेवल 1 का है। गाइस क्या गंदा हारने वाला हूँ। बट चलो गाइस देखते हैं क्या कर सकते हैं। टैकल मारते मैं तो एक ही फटके में मर जाऊंगा। यस गाइस वन शॉट उसने दे दिया। अब चलो गाइस निकालते हैं गाइस पिडमेंडर को। गाइस पिडमेंडर आ गया है। एंड नाउ गाइस आई एम गोइंग टू यूज गाइस एम्बर। एम्बर यूज करते चलो। ओके गाइस एम्बर यूज कर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यार फिर से। अरे ये लियर यूज कर, मैं फिर से एम्बर यूज कर रहा हूँ। मैं फिर से एम्बर ही यूज करूंगा गाइस पूरे गाइस। ओके मैं इसको हरा पाऊंगा शायद से। चलो गाइस एक काम करते स्क्रैच मारते, आप देखते हैं गाइस स्क्रैच। अरे यार उरु गाइस मैं हार जाऊंगा क्या? गाइस मैं हार जाऊंगा शायद। अरे गाइस मैं हार गया यार। अरे गाइस मैं तो हार गया यार। गाइस मैं अब एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा गाइस? मेरे पास DNS स्प्लाइसर है गाइस। मुझे ना चार्मेंडर को यार अनफ्यूज कराना पड़ेगा, क्योंकि गाइस चार्मेंडर और पिजी का ये जो फ्यूज फॉर्म है ये काफी बेकार लग रहा है गाइस। सीरियसली काफी बेकार लग रहा है। तो गाइस मुझे चार्मेंडर को चार्मेंडर के रूप में ही रखना पड़ेगा। जब गाइस ये चार्मिलियन बनेगा या फिर चार्जर्ड बनेगा तब चीज अलग होगा, ठीक है। तो अनफ्यूज करते, चल अनफ्यूज हो। ओके डन डन गाइस। एंड व्हाट द हेल इज दिस, ये पिजी थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। ओके गाइस अब मैं फिर से लड़ने वाला हूँ उसके साथ। बट गाइस दिस टाइम मैं जीतने वाला हूँ, ठीक है। एंड वहाँ पे एक बॉल दिखाई दे रहा है मेरे को, पता नहीं गाइस ये जो गोल्डन कलर का बॉल है ये क्या बॉल है ब्रो, इसमें जा पाएंगे कि नहीं? ओके चलो ये बॉल भी लेकर के आता है। ओ इसमें नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें जाने के लिए, ओके जा पाएंगे, ओ नहीं जा पाएंगे इसमें जाने के लिए गाइस मुझे सर्व सीखना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस तो चलो गाइस अभी जिसने मेरे को हराया था उसको हराएंगे, ठीक है। आ जा बेटे अब तेरा खैर नहीं, क्योंकि गाइस अब मैं काफ़ी गुस्सा हो चुका हूँ। इसके पास एक ही पोकेमॉन है स्पियर गे। नहीं यार मैं तो इसको लेकर के हारने ही वाला हूँ। हटा दे ठीक है। अब गाइस मैं निकालने वाला हूँ गाइस चार्मेंडर को। अब मजा आने वाला है ना, चार्मेंडर जा। एंड गाइस नाउ आई एम गोइंग टू यूज, अरे अरे रुक 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 स्क्रैच खा। अब गाइस मैं एम्बर यूज करने वाला हूँ। ये सैनाटेक मार रहे हैं, अरे क्या कर रहा हूँ? ओके एम्बर मार रहा हूँ, इस बार तो मैं डेफिनेटली जीतूंगा। ये लेयर यूज कर रहा है, मैं फिर से एम्बर मारा। एंड गाइस मैं जीत चुका हूँ, 123 एक्सपी पॉइंट्स मिला, इसी के साथ मैं लेवल 9 पहुंच गया, ठीक है। ओके 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 टॉक टू ट्रेनर्स आफ्टर बैटलिंग देम, दे विल ऑफन ऑफर टू हैव रीमैच और टू ट्रेड यू सम ऑफ देयर पोकेमॉन एंड अदर्स विल जस्ट गिव यू फ्रीबीज लाइक दिस। अच्छा मुझे गाइस पोकी बॉल मिला, अच्छा ठीक है। मुझे थोड़े बहुत पोकेबॉल्स भी खरीदना पड़ेगा। बट गाइस मेरे पास पैसे ही नहीं, यहाँ पे देखते हैं गाइस कोई अनोखा पोकेमॉन मेरे को मिलता है कि नहीं। ओके ओके अरे रेटाटा यार। चलो गाइस मैं एम्बर मारता हूँ, इसको उड़ाता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अभी चार्मेंडर को चार मिलियन बनाना है, ठीक है। ओके आ जा बेटे आ जा।
तेरे साथ में पेडल कर ही लेंगे, क्या इतना टेंशन वाला बात है। इसके पास दो है, एक तो पिज्जी है, ये कोई फ्यूजन वाला पोकेमॉन है नहीं। एम्बर मारते हैं इसको, रेड में आ गया है। चलो गाइस फिर से एम्बर मारने गया, इसी के साथ गाइस मैंने पिज्जी को हरा दिया। अब गाइस ये डेफिनेटली गाइस एक फ्यूजन पोकेमॉन को भेजने वाला है, रेड पाए। अरे गाइस ये कैटरपी और रेटाटा का फ्यूजन फॉर्म है, तो चलो गाइस इसको हराते हैं। अरे ये तो हारेगा ही, क्योंकि गाइस ग्रास टाइप और नॉर्मल टाइप का ये मिक्सर है, ठीक है। ऑल राइट तेरे को भी हरा दिया दोस्त, अब इसमें कुछ होगा क्या, इस साइड जा करके देखते हैं। ओके ओके यहाँ पे एक पोकी बॉल है, पोशन मिला गाइस, पोशन मिला। चलो गाइस मुझे पोशन चाहिए था, बैग में जाते हैं, पोशन यूज करना पड़ेगा गाइस अपने चार्मेंडर के ऊपर। ऑल राइट चलो गाइस बैग करते एंड लेट्स गो फ्रॉम हियर। अब मुझे और भी बैटल्स करने, और ये तो गाइज ये तो ब्लू है गाइज, अब ये ब्लू मेरा फिर से छड्डी फाड़ने वाला है। फॉरगेट अबाउट इट, यू प्रोबेबली डोंट हैव एनी बैच, द गार्ड वोंट लेट यू दो। ओके बाय द वे डिड योर पोकेमॉन गेट एनी स्ट्रॉन्गर? अच्छा गाइज फिर से इस ब्लू के साथ पंगा लेना पड़ेगा। अरे गाइज ये निडोरन और गाइज ये पिज्जी का फ्यूजन फॉर्म है गाइज, ये खतरनाक होने वाला है। मैं ना एक काम करता एम्बर मारता हूँ इसके ऊपर गाइज, मैं हारने वाला हूँ क्या शायद से। अरे अरे मुझे हराना है इसको, प्लीज हरा दे। यस गाइज मैंने इसको हरा दिया। यस अब मैं एक काम करूंगा गाइस, यस मैं भेजने वाला हूँ गाइस पिज्जी को, क्योंकि गाइस मैं जब पिज्जी को भेजूंगा तब गाइस मैं अरे गाइस इसका ये मेन पोकेमॉन फिर से आ गया ना गाइस, मुझे अब पोशन पिलाना पड़ेगा, नहीं तो गाइस मैं ब्लू के साथ फिर से हारने वाला हूँ। तो गाइस मैंने इसको पिला दिया, ये वाटर गन मार रहा है मेरे ऊपर। चल चल बेटे तेरे को तो मैं एक टैकल तो डेफिनेटली मार, अरे मार नहीं पाया। अब गाइस चार्मेंडर वर्सेस गाइस ये होने वाला है, स्क्वाट्स और वाटर टाइप और ग्रास टाइप का मिक्सचर है। ग्रास टाइप के साथ तो गाइज चार्मेंडर ऑब्वियसली इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव है, बट गाइज वाटर टाइप भी है ना साथ में। गाइज मैं बचने नहीं वाला हूँ। अरे हरा हरा हरा, अरे नहीं हरा पाया यार, शिट मैन। गाइज मैं ब्लू को कब हरा पाऊंगा गाइज, अब मुझे गुस्सा आ रहा है गाइज, मैं ब्लू को हरा ही नहीं पाऊंगा शायद। गाइज ये गेम तो काफी खतरनाक है, एंड ऊपर से गाइज मैं खेल रहा हूँ हार्ड मोड में। गाइज ये तो मेरा फार रहा है लिटरली गाइज, आई डोंट नो अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब गाइस मुझे ब्लू को हराना है, तो चलो गाइस ब्लू को हराएंगे। बट गाइस मैं सोच रहा हूँ जाते जाते गाइस मैं एक दो पोकेमॉन को पकड़ लूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं पोकेमॉन को पकड़ लेता हूँ तब शायद से गाइस मैं ब्लू के साथ अच्छे से पंगा ले पाऊंगा। यहाँ पे तो एक पोकी बॉल है। ओके पेका बेरी मिला मुझे, ओके ओके चलो गाइस मुझे एक दो पोकेमॉन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे ब्लू को हराना है इस बार। ये ब्लू अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मैंने अभी तक ब्लू को एक बार भी नहीं हरा है। ओके हुट हुट मिला गाइस, तो चलो गाइस हुट हुट को पकड़ना पड़ेगा शायद से। ऑलराइट आई एम गोइंग टू कैच दिस हुट हुट। ओके ओके टैकल मार रहा है, मैंने बहुत सारा डी एन एस प्लाइसर एंड गाइस अभी मेरे पास बहुत सारे, अरे हार, अरे हार गया यार गाइस, इसको पकड़ना था बट गाइस मैंने इसको हरा दिया लिटरली। अब देखते हैं गाइस कौन सा पोकेमॉन मुझे मिलेगा, अभी रात का समय हो रहा है। ओके गाइस निडोरन मिला, चलो गाइस निडोरन को ही पकड़ना पड़ेगा। आई थिंक गाइस मुझे एम्बर मारना पड़ेगा इसके ऊपर। ओके गाइस एम्बर मारा, ये ग्रॉल यूज कर रहा है। नाउ आई थिंक गाइस आई एम गोइंग टू यूज गाइस पोकी बॉल। ओके चलो गाइस पोकी बॉल फेंकते हैं, आजा आजा बेटे आजा जल्दी से, 1 2 3 और गाइस ये आ गया, आ गया गाइस निडोरन आ गया, मजा आ गया गाइस। मुझे और दो पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा गाइस, नहीं निकनेम तो नहीं देना है ब्रो, और एक पोकेमॉन चाहिए गाइस। देखते हैं इस बार कौन सा वाला पोकेमॉन मिलेगा। ओके हुट हुट मिला गाइस, इस बार हुट हुट को भी पकड़ ही लेते हैं ठीक है, क्योंकि हुट हुट बनता है नॉकटॉल एंड नॉकटॉल एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है। चलो गाइस एम्बर मारते हैं इसके ऊपर। ओके गाइस एम्बर मारा, ओके ये फोर्सर यूज करे। चलो गाइस मैं इसको डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ, बैग में जाते हैं गाइस एंड देन चलो गाइस फिर से पोकेमॉन फेंकते हैं। ओके कमान 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 आ जा, 1 2 3 आ गया, आ गया गाइस वुट वुट भी आ गया। एंड गाइस ये लेवल 11 का हो चुका है। पहली बात गाइस मेरे पास पोशन है नहीं ठीक है, मुझे पोशन खरीदने के लिए फिर से वापस से इस पोकी मार्ट में जाना पड़ेगा। चलो गाइस फटाक से ये पोशंस खरीद के आते हैं। A few minutes later पोशन खरीद लेते, 3000 जाएगा। ऑल राइट पोशन खरीद लेता हूँ, बट गाइस मैं अभी पोशन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस मैं इधर तक आ गया हूँ तो गाइस हील अप करके ही निकलेंगे ठीक है। नॉट जॉय फटाक से मेरे पोकेमॉन्स को हील अप कर दो ठीक है। एंड गाइस ये सीरीज काफी अमेजिंग होने वाला है यार, काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ढेर सारे फ्यूजन देखने को मिलेगा, और हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा अगर चार्जार्ड और ड्रैगनाइट को हम लोग फ्यूज करेंगे तो क्या निकल के आएगा और कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। गाइस वैसे वैसे फ्यूजन मेरे को चेक करना है ठीक है, सो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एंड गाइस मेरे पास तो डीएनएस स्लाइसर है ना, अगर गाइस मैं यहाँ पे
डीएनए स्लाइसर यूज करके गाइस होटूट और निडोडेन को फ्यूज कर दू, तो देखते हैं गाइस इसको और इसको मुझे फ्यूज कराना है, तो गाइस देख सकते हो कुछ अलग ही निकल के आएगा। एक मिनट एक चीज देखेंगे, पहले निडोडेन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन गाइस होटूट को। अच्छा दोनों सेम ही लग रहे हैं, पॉइजन फ्लाइंग या फ्लाइंग पॉइजन, कौन सा आई थिंक गाइस ये ही वाला। चलो गाइस फ्यूज करते हैं। अब गाइस इन दोनों को फ्यूज करने के बाद क्या ही प्रोडक्ट निकल के आएगा, पोकेमॉन निकल के आएगा, हम लोग को अभी देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। ओके कमॉन। अरे ये क्या ही विचित्र प्राणी है यार, हुट्रेन। गाइस ये हुट्रेन भाई फ्लाइंग पॉइजन या खतरनाक दिखाई दे रहा है भाई, दिखने में तो एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कंबाइन मूव सेट करेंगे। ठीक है देखते हैं गाइस, हिप्नोसिस है इधर, हिप्नोसिस तो ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक गाइस ग्रोल के जगह मैं हिप्नोसिस को रखना पसंद करूंगा। ओके गाइस मैंने हुट्रेन बनाया गाइस, पर गाइस और एक चीज देखो क्या, अगर गाइस एक मिनट ये हुट्रेन है ना, वो दूसरा वाला फ्यूजन कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। चलो अब गाइस ये वाला बनाते हैं, आई थिंक गाइस ये सेकेंड वाला ज्यादा अच्छा होगा, देखते हैं। ओके बन जा, दिखने में सही होता है तो अच्छा लगता है गाइस, ये दिखने में भी काफ़ी वियर्ड है बट पहले वाले से तो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है गाइस, पॉइजन फ्लाइंग इंसोमनिया, ओके राइवलरी, इससे क्या होता है, डील मोर डैमेज टू फोर ऑफ द सेम जेंडर, अच्छा प्रिवेंस द पोकेमॉन फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप, ओके ये तो बहुत बढ़िया है यार, अटैक और स्पीड बढ़ जाता है। चलो अच्छा ठीक है, फिर कंबाइंड मूव सेट ही रखेंगे। एंड गाइस अभी यहाँ पे हिप्नोसिस है, स्क्रैच मुझे डालना पड़ेगा ग्रोल के जगह। ओके आप गाइस शायद से मैं हरा पाऊंगा गाइस, डेफिनेटली गाइस आप मैं हरा पाऊंगा ब्लू को, तो चलो गाइस ब्लू को हराने के लिए अरे यार निकलते हैं। पर गाइस निकलते ही गाइस यहां पे और एक पोकेमॉन मेरे को दिखाई दिया, ओके हुटूट मिला गाइस। चलो चार्मेंडर को भेजते हैं गाइस, हरा के ही निकलेंगे क्योंकि गाइस लेवल अप भी कराना है ना। ओके बहुत अच्छा डैमेज दिया, ये बर्न्ड हो गया गाइस, ये हिप्नोसिस अटैक यूज कर रहा था बट गाइस ये कुछ भी नहीं कर पाया। गाइस मैंने हुटूट को हरा दिया गाइस, लेट्स गो, आ रहा हूँ ब्लू, आजा ब्लू, पॉलिश माई शू, अब तेरा मैं बैंड बजाने वाला हूँ, आजा ब्लू, तूने अभी तक मेरे को दो बार हरा दिया बट इस बार ये तीसरा बार ये मेरे को हरा नहीं पाएगा। चल निडोगे को भेज, ओके ये गाइस निडोगे को भेजा। अब गाइस मैं इसको दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। गाइस मैंने एम्बर से हमला करा, ओके ये लियर यूज कर, डीलर से क्या होगा, फिर से गाइस मैं एम्बर यूज कर रहा हूँ एंड इसी के साथ गाइस निडोगे हो गया खत्म, 95 एक्सपी पॉइंट्स मिला। ओके नो मैं चार्मेंडर से ही लड़वाने वाला हूँ। ओके पर गाइस मुझे चार्मेंडर से लड़वाना नहीं था क्योंकि गाइस ये ओ यस बर्न्ड हो गया गाइस, ये लीच सीड यूज कर रहा है, इसकी ऐसी की टैसी गाइस, अब ये मेरे से यार हेल्थ लेगा। अरे गाइस बट ये बर्न भी हो रहा है ना, ये बहुत बढ़िया है। चलो गाइस मैं यूज करने वाला हूँ फिर से एम्बर, ओके येल्लो में आ गया, ये वाटर गन यूज कर रहा गाइस, ओके इट्स सुपर इफेक्टिव यार, शेट गाइस अब क्या होने वाला है पता नहीं गाइस, या तो ये हारेगा या तो मैं हारूंगा। ठीक है चलो गाइस एम्बर फिर से मारते, अरे हार जा, यस गाइस मैंने हरा दिया, गाइस मैंने हरा दिया फाइनली, एंड ये लेवल 12 का हो चुका है, यस गाइस मजा आ गया, यू डिफीटेड राइवल ब्लू फाइनली गाइस मैंने हरा दिया, एंड ये अभी बोल रहे बिगिनर्स लक, यू गॉट 144 फॉर विनिंग, बिगिनर लक वर्क नहीं है ठीक है, मेहनत से हराया है इसको, यू जस्ट गॉट लकी, अच्छा है एटलीस्ट यू हैव गॉट अ बंच ऑफ पोकेमॉन ऑलरेडी, यू शुड ट्राई ट्रेनिंग सम ऑफ देम एट सम पॉइंट। Anyway, I heard Pokemon League has many tough trainers. I have to figure out how to get past them. Maybe I will use some more DNS splicers to combine my Pokemon and make them stronger. I got plenty of them at the mart. Here you can take one. Guys, isne mujhe ek DNS splicer diya. Diya to sahi na. Alright. Smell ya later. Okay, bye bye. So guys, ye to chala gaya hai. अब गाइस मुझे भी इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर से शायद से कोई अलग पोकेमॉन मुझे मिल सकता है, ठीक है देखते हैं गाइस। ओके गाइस ये तो निडोडेन फिर से है, तो चलो गाइस इसको हराते हैं, कमान चार्मेंडर, मैं तो यूज करने वाला हूँ एम्बर गाइस, आई थिंक ये एक ही बार में हरेगा गाइस, वन शॉट बोल्टे, यस चलो गाइस निकलते हैं, कहाँ पे आ गया हूँ मैं गाइस, अरे ये क्यों है, Oops, sorry, almost bumped into you. Guys, ये तो Brock है ना? Yes, guys, my name is Brock. I am the official gym leader in Pewter City, not too far from here. Okay. Oh, where are you going to the Pokemon League? I see you are new trainer, so let me explain how the Pokemon League tournament works. Only the strongest trainers of the region can take part in the tournament. हाँ guys, 8 badges होने चाहिए, तभी हम लोग Pokemon League में participate कर सकते हैं. A trainer can only be allowed inside the Pokemon League once they proven their worth by defeating 8 gym leaders. हाँ, the Kanto region, okay?
और कुछ आई एम वन ऑफ दिस जिम लीडर्स एंड सिंस आई लिव इन प्यूटर सिटी आई विल प्रोबेबली बी योर फर्स्ट चैलेंज इफ यू आर एनी सीरियस अबाउट एंटरिंग द पोकेमॉन लीग यू कैन फाइंड मी इन प्यूटर सिटी ऑन द अदर साइड ऑफ वेरिडियन फॉरेस्ट यू कैन चैलेंज मी ओवर देयर टू अर्न द बोल्डर बैज वन ऑफ द 8 ऑफिशियल पोकेमॉन लीग बैजेस आई होप आई विल सी यू देयर ओके ठीक है मैं आऊंगा बट गाइस पहले मुझे इधर जाकर के देखना पड़ेगा इधर नहीं जा पाएंगे क्या व्हाट फिर ये क्या चीज है यार गाइस मुझे मतलब फिर से यार घूम फिर के जाना पड़ेगा वेरिडियन सिटी के पीछे वाले जंगल में जंगल में जंगल में कैसा जिम होगा यार ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस ये किसका घर है गाइस यहाँ पे एक नेम प्लेट है पोकेमॉन एकेडमी लर्न ऑल देयर इज टू नो अबाउट पोकेमॉन पोकेमॉन एकेडमी में एक बार घुस करके देखो क्या ओके यहाँ पे तो एक टीचर है टीचर से बात करके देखते हैं हाई वेलकम टू पोकेमॉन एकेडमी वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट पोकेमॉन फ्यूजन यस व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट पोकेमॉन फ्यूजन फ्यूजिंग पोकेमॉन टाइपिंग इवोल्यूशन अच्छा इवोल्यूशन के बारे में जानना है बोथ हाफ ऑफ फ्यूज पोकेमॉन इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ईच हाफ विल इवॉल्व व्हेन एवर द कॉरेस्पॉन्डिंग अनफ्यूज पोकेमॉन वुड इवॉल्व मतलब एक चीज मेरे को समझ में नहीं है अगर मैं सपोज गए चार्मेंडर को पिजी के साथ फ्यूज करके रखूंगा तो चार्मेंडर जब लेवल 16 में पहुंचेगा क्या वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाएगा बिना अनफ्यूज किए ऐसा होगा क्या अगर ऐसा होगा तो आप लोग मुझे कंफ्यूज कर सकते हो बोल रहा हूँ कमेंट कर सकते हो ठीक है यस चलो गाइस अब पूछते हैं गाइस फ्यूजन पोकेमॉन के बारे में तो फ्यूज पोकेमॉन ओके ये तो मुझे मालूम चल गया चलो गाइस और बात नहीं करना है थैंक यू सो मच वन आवर लेटर पता नहीं गाइस ये ब्रॉक कहां पे चला गया बट गाइस मैं यहां पे पोकेमॉन्स ढूंढने वाला हूं अभी मैं जा रहा हूं सीधा ठीक है एंड गाइस यहां पे फिर से गाइस मुझे पिज्जी मिल रहा है चलो गाइस पिज्जी को तो हरा के ही जाएंगे क्योंकि मुझे इसको यार लेवल अप कराना है अरे हार 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 यस गाइस हरा दिया मैंने इसको 10 ही एक्सपी पॉइंट्स मिले यार लेट्स गो ओके यहाँ पे कुछ अनोखा पोकेमॉन मिलेगा क्या चलो देखते हैं फिर से गाइस पिज्जी चलो यार चार्मेंडर इसको भी हराओ स्क्रैच मारा मैंने इसको ये टैकल कर रहा है फिर से गाइस मैं स्क्रैच ही मारने वाला हूँ इसी के साथ गाइस मैंने पिज्जी को हरा दिया लेट्स गो ये कौन सा जगह है भाई एक अलग ही ओके वेरिडियन फॉरेस्ट में मैं आ गया हूँ एंड यहाँ पे तो एक मशरूम मेरे को दिखाई दे रहा है ओके शायद से गाइस ब्रॉक इधर हो सकता है एंड इधर तो मुझे अनोखे पोकेमॉन्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं तो चलो देखते हैं कौन कौन से व्हाट द हेल इज दिस वीपॉड गाइस ये मेटापॉड और गाइस वीडल का आई थिंक मिक्सर फॉर्म है हराते हैं गाइस मुझे इसको पकड़ना नहीं है ये सुपर इफेक्टिव मूव मैंने मारा क्योंकि दोनों ही ग्रास टाइप पोकेमॉन है गाइस दोनों ग्रास टाइप पोकेमॉन एक साथ फ्यूज हुए हैं तो ऑब्वियसली सुपर इफेक्टिव तो होंगे ही ना अब देखते हैं गाइस फिर से गाइस पीजी लेवल 4 का हरा हरा के ही निकलेंगे ठीक है जितना हराएंगे गाइस उतना ही मैं स्ट्रांग बनते जाऊंगा ये टैकल कर रहे कर ले टैकल ये ले एम्बर खा इसी के साथ गाइस मैंने पीजी को फिर से हरा दिया ओके गाइस यहाँ पे एक लड़का है अरे गाइस वैसे भी पोकेमॉन बैटल करना ही था ओके लेडीबा नहीं गाइस लेडीबा नहीं चाहिए गाइस हराते हैं इसको सुपर इफेक्टिव एंड हरा दिया गाइस मैंने इसको चलो गाइस इस लड़के के साथ बैटल करके देखते हैं दिस इज द डेड एंड लेट्स बैटल अच्छा आ जा भाई मुझे वैसे भी पोकेमॉन बैटल करना था क्या है इसके पास मिट्योना ककुना और गाइस ककुना मिट्योना मिट्योना गाइस ककुना तो है पर ककुना के साथ कौन फ्यूज है पता नहीं गाइस चलो एक ही फटके में हरा पाएंगे शायद से सुपर इफेक्टिव है ना गाइस इसी के साथ मैंने इसको हरा दिया अब एक्सपी पॉइंट्स कितना मिला ओ लेवल 13 पहुंचे रुक गया यार ओके चलो ले लेते हैं पोशन मिला गाइस ओके अब चलो अरे यार इतने सारे पोकेमॉन्स मिल रहे हैं अभी वीडल पकड़ लूँ क्या क्योंकि गाइस ये बी ड्रिल बनेगा पकड़ सकते हैं गाइस स्क्रैच मारते हैं चलो गाइस इसको पकड़ेंगे ठीक है इसको पकड़ेंगे ये पॉइजन स्टिंग मार दिया ना मुझे ये पॉइजन स्टिंग ही पसंद नहीं है यार चलो यार पोकेबॉल फेंकते हैं इसको पकड़ लेते हैं वीडल को आ जा 1 2 3 आ गया गाइस एंड ये लेवल 13 पहुंच चुका है गाइस अपना चार्मेंडर एंड गाइस वुड यू लाइक नो वीडियो को भी लेवल अप कराना पड़ेगा ओके गाइस मेरा एक चीज़ गलत हो गया और वो चीज़ ये है कि गाइस मेरा ना अभी ये चार्मेंडर पॉइजन्ड हो गया तो अगर इसको मैं ये पिला दूंगा तो कुछ होगा क्या चार्मेंडर इज पॉइजन फ्रॉम
शिट मैन गाइस, ये पॉइजन नहीं हुआ था, बट गाइस मैंने उसको पॉइजन करा दिया। कितना यार नेक्स्ट लेवल वो हूं यार मैं। अरे यार गाइस, अरे गाइस मेरे को लगा था वो पॉइजन मशरूम खिलाएंगे तो यार, ओ एंटीडोट मिल गया फाइनल गाइस, पॉइजन मशरूम खिलाएंगे तो यार मेरा चार्मेंडर ठीक होगा, बट गाइस मैंने उल्टा ही करा। चलो गाइस एंटीडोट पिलाते हैं इसको, चार्मेंडर को। ओके डन डन गाइस डन, सेव कर लेते हैं एक बार गेम को। वहां पे मकड़ी का जाला मेरे को दिखाई दे रहा है, पता नहीं गाइस उस मकड़ी के जाले में मुझे क्या मिल सकता है। ओके चार्मेंडर फिर आ गया, चार्मेंडर बहुत जल्द शायद से इसी वाले एपिसोड में मेरा चार्मेंडर इवॉल्व होने वाला है। देखते हैं गाइस क्या बनेगा क्या नहीं। बोल्ड इंस्पेक्टर द वेब, यू ऑब्टेंड ए बग जेम। ओके ये बग जेम क्या चीज़ है ब्रो। चलो गाइस निकलते हैं, पॉइजन मशरूम उठाते हैं। पॉइजन मशरूम से कुछ नहीं कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो गाइस। पॉइजन मशरूम से कुछ कर सकते हैं यार, अब तो यार हद हो गया यार, अब हर कदम पे ही मेरे को पोकेमॉन्स दिखाई दे रहे हैं। यही चीज मेरे को इरिटेटेड लगता है यार, इतने सारे पोकेमॉन्स, अरे स्ट्रिंग शॉट मार दिया, इतने सारे पोकेमॉन्स निकलते हैं यार चल भी नहीं पाते, इसलिए गाइस मैं एस्केप रोप का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ यार कभी कभार। चलो गाइस निकलते हैं, ये ब्रॉक कहाँ पे हो सकता है, इधर इधर तो ट्रेनर भी है, बट गाइस अरे यार देख रहे हो टॉल ग्रास में जाते ही गाइस, जाते ही मतलब गाइस मिलता है गाइस पोकेमॉन। चलो काकोनाथ को हराते हैं गाइस, सुपर इफेक्टिव। यस मैं पकड़ने में गाइस क्या टेंशन है, मेरे पास बहुत सारा पोकेबॉल है तो पकड़ लेते हैं। चलो गाइस फेंकते हैं पोकेबॉल और इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है आ जा। 1 2 3 जल्दी से आ जा दोस्त, स्पिन रक आ गया गाइस। मैं करूंगा अभी डीएनएस प्रेसर के मदद से फ्यूजन्स, ठीक है। ओके मैं शायद से गाइस ये कहाँ पे चला गया, वीडल और स्पिन रक को यार एक साथ फ्यूज कराने वाला हूँ, देखते हैं गाइस क्या चीज निकल के आएगा, ये चीज सही रहेगा। देखते हैं गाइस, दिस पोकेमॉन आर बीइंग फ्यूज्ड। ओके 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 चल चल चल, अच्छा वाला पोकेमॉन दिला दे दिला दे दिला दे। अरे बाप रे गाइस, ये स्पिन रक थोड़ा सा क्यूट बन गया गाइस, क्योंकि वीडल का चेहरा लग गया ना नाम क्या है गाइस, वीरेक। चलो गाइस, ओ ये पीछे तो वीडल का चेहरा भी है यार, बग पॉइजन। चलो सही है, ये स्वर्म से क्या होता है, पावर अप बग टाइप मूव इन पिंच, ओके शील ब्लॉक द एडेड इफेक्ट्स ऑफ अटैक टेकन। अच्छा और ये डिफेंस और माइनस स्पेशल डिफेंस, ओके चलो गाइस यही रखते हैं। ये गाइस वीरक अच्छा ही लग रहा है गाइस, ये फ्यूजन मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है अच्छा ही लग रहा है गाइस। ओके मैं ना वीरक को सामने भेजने वाला हूँ गाइस, अभी बैटल करेंगे गाइस वीरक को लेकर के। वीरक काफ़ी यार मुश्किल भरा नाम है, इसको पहले स्पॉट पे रखेंगे। ओके चलो गाइस अब बैटल करेंगे, ठीक है इसके साथ ही बैटल करेंगे। आ जा बेटे, लुक एट माई कूल बग टाइप पोकेमॉन। चलो देखते हैं गाइस, इसके पास भी कोई फ्यूजन टाइप पोकेमॉन ही होगा, तीन पोकेमॉन है। पहले तो गाइस कैटरपी आया गाइस, मैं वीरक को भेजा, अब गाइस देखते हैं मैं पॉइजन स्टिंग मारने वाला हूँ, ये स्ट्रिंग शॉट यूज़ कर रहा है मेरे ऊपर भाई यार, ये ले स्टिंग पॉइजन स्टिंग खा। ओके अब स्ट्रिंग शॉट मारू क्या, स्ट्रिंग शॉट मारते हैं। चलो ये टैकल यूज कर रहा है, मैं स्ट्रिंग शॉट मार रहा हूँ गाइस, मुझे पोकेमॉन को स्विच करना पड़ेगा। क्यों स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस ये अगर मेरे को फेन करा देगा तो मुझे एक्सपी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके तो चलो गाइस पोकेमॉन को स्विच ही कराते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड, किसको भेजूं, पिटगे को भेजते हैं। चलो गाइस कम बैक एंड जाओ, पिटगे आ गया गाइस इधर। अच्छा ये पिटगे नहीं है, पिटजी है गाइस, टैकल मारते हैं। चलो ओके ये भी टैकल मार रहा है, अब फिर से गाइस टैकल मारते हैं, अब तो ये कैटरपी हारने ही वाला है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट यूज कर रहा है, अच्छा स्ट्रिंग शॉट यूज कर रहा है फिर से। चलो गाइस मैं फिर से टैकल मारूंगा एंड ये खत्म। कैटरपी से मुझे कितना एक्सपी पॉइंट्स मिलेगा, वीआर को मिला और वीआर हो गया लेवल 5 यस एंड पीजी 57 बढ़िया है बढ़िया बढ़िया। ओके लेवल 6 का हो गया, ओह ये लेवल 7 का हो गया। ओके तो मैं क्या करूंगा गाइस, स्विच करूं क्या। चलो गाइस स्विच करते हैं, चार्मेंडर को भेजेंगे, ठीक है। ओके अब शायद से गाइस ये फ्यूजन पोकेमॉन को भेजने वाला, मैंने चार्मेंडर को भेजा गाइस, अब ये कौन से वीडेन को भेजा। अच्छा कैसे वीडेल और गाइस नीडोरेन का गाइस फ्यूजन फॉर्म है, मैं एम्बर यूज करने वाला हूँ इसके ऊपर, एक ही फटके में उड़ गया यार, वन शॉट बोल्ट है यार, मजा आ गया। 73 एक्सपी पॉइंट्स। ओके न्यू पोकेमॉन नो, चार्मेंडर सेल्स से ही लड़वाएंगे। कैटरपी को भेजा क्या, एक काम करेंगे एक बार स्क्रैच मारेंगे इसको एंड देन गाइस मैं स्विच करने वाला हूँ, ठीक है इक्वली पॉइंट्स बटेंगे तो अच्छा होगा
एंड देन गाइस शायद से मैं किसको भेजूं, वीआर को भेजूं क्या? वीआर को ही भेजते हैं। चलो गाइस फिर से स्विच कर देंगे पोकेमॉन को, फिर इक्वली एक्सपी पॉइंट्स बटेंगे। ये स्ट्रिंग शॉट यूज करें, मार ले मार ले मार ले स्ट्रिंग शॉट, कुछ नहीं होगा ब्रो। अब मैं तेरे ऊपर ये एब्जॉर्ब यूज करने वाला हूँ। उरे ले ले ले, थोड़ा सा हेल्थ ले ले। हाँ हाँ थोड़ा सा हेल्थ ले ले। अब चलो गाइस फटाक से पोकेमॉन को स्विच करते हैं। यस काम आ जा वीआर, एटलीस्ट तेरे को अब एक्सपी पॉइंट्स तो मिलेंगे ना। आ गया है चार्मेंडर, ये टैकल मार रहा है, टैकल से कुछ भी नहीं होगा ब्रो। अब मैं तेरे को उड़ाने वाला हूँ एम्बर का यूज करके, ठीक है? एंड गाइस कैटरपी हो गया खत्म, 63 एक्सपी पॉइंट्स मिला, चार्मेंडर गॉट 30 एक्सपी पॉइंट्स। ओके कितना मिला, 128 पोकेमॉन डॉलर्स। अच्छा गाइस मुझे भागना पड़ेगा पोकेमॉन मंडिकल। ओके नहीं निकला गाइस। गाइस अब मुझे फिर से बैटल करना पड़ेगा बग पोकेमॉन्स, आर टोटली ग्रेट, लेट मी शो यू व्हाट दे कैन डू। अच्छा दिखाओ क्या कर सकते हैं बग पोकेमॉन, मुझे भी देखना है। चलो भेजो, एक ही पोकेमॉन है क्या? कैटरपिलर। गाइस ये पीजी और कैटरपिलर का फ्यूजन फॉर्म है। गाइस ये मेरे को एकदम भी पसंद नहीं आ रहा है गाइस, दिखने में एकदम भी पसंद नहीं आ रहा है। एंड गाइस इसी के साथ मैंने गाइस इसको वन शॉट ही बोल दिया, खत्म ना, नहीं दिखाना चाहते थे तुम। ओके गाइस यहाँ पे एक रास्ता है, इधर मैं घुस गया हूँ। ये लोग कौन है? बिग मशरूम्स आर सुपर रेयर एंड वैल्यूएबल, बट बी केयरफुल इफ यू गो हंटिंग आफ्टर देम, दे लुक एग्जैक्टली द सेम एज पॉइजन मशरूम। ओके पॉइजन मशरूम्स विल वर्क इन ए पिंच इफ यू नीड टू हील योर पोकेमॉन, बट यू बेटर हैव एन एंटीडोट रेडी। अच्छा मतलब कभी कभार पॉइजन मशरूम्स यार हील भी करा देते हैं, ये तो बढ़िया है। एंड कहाँ पे मैं आ गया हूँ? यहाँ पे शायद से मुझे अच्छा पोकेमॉन मिल सकता है क्योंकि मैं एक अलग एरिया में आया हूँ ना। हुटूट मिला गाइस लेवल 3 का, यार इतने कम लेवल के पोकेमॉन नहीं चाहिए अभी, हराते हैं इसको गाइस। यस फेंटेड। अब ये लेवल 14 नहीं होगा, कब होगा गाइस ये चार्मेंडर लेवल 14? प्यूटर सिटी पहुंच चुका। अच्छा वेरिडियन सिटी में थोड़ी ना था गाइस, प्यूटर सिटी में था गाइस ब्रॉक का जिम। ओके चलो गाइस मैं ना पोकेमॉन सेंटर में पहले तो हिलाप करा देता हूँ अपने पोकेमॉन्स को, एंड देन गाइस मैं फाइट करने के लिए जाऊंगा, ठीक है? लेट्स गो। ये क्या चीज है, इसमें घुस कर देखते हैं। व्हेन जिग्लीपफ सिंग्स पोकेमॉन गेट ड्राउजी, ये तो मुझे पता है, इनके साथ बात करके देखते हैं। व्हाट टीम रॉकेट इज एट माउंट मून, आई एम ऑन द फोन। अच्छा चलो गाइस निकलते हैं अब। अब गाइस ये बुढ़ा आदमी मेरे को कुछ दे सकता है? प्लीज डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग? यस दैट्स राइट, इट्स हार्ड वर्क। व्हाट द, यू शुड ऑलवेज स्टॉप बाय द होटल व्हेन यू गेट टू ए न्यू सिटी, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ पीपल सीकिंग हेल्प फ्रॉम ट्रेवलिंग पोकेमॉन ट्रेनर। अच्छा होटल में घुस करके देखते हैं फिर। ओके गाइस मैं होटल में आ गया हूँ, वेलकम टू प्यूटर सिटीज होटल। तो गाइस अगर शायद से हम लोग होटल में रेस्ट करेंगे तो पोकेमॉन्स हील होंगे। स्लीप फोर 6 घंटे सो लेते हैं। चलो गाइस क्योंकि अभी जिम बैटल करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट का जरूरत पड़ेगा। यस गाइस आई एम फुल ऑफ एनर्जी, ये तो होटल का रूम है ना। ओके चलो गाइस देखते हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ जन नहीं। हाई आर यू पोकेमॉन ट्रेनर, आई वॉन्ट टू मेक सम वाइल्ड मशरूम स्ट्यू, बट आई हैव टू गो टू वेरिडियन फर्स्ट पिक देम बिकॉज ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन, वुड यू हेल्प? ओके तो इनको शायद से चाहिए 3 टाइनी मशरूम्स, मशरूम। ओके एंड इन लोगों को भी कुछ काम है क्या? बग टाइप पोकेमॉन आर माय फेवरेट, आई वांट टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर यूजिंग ओनली बग टाइप, कुड यू प्लीज शो मी फुल्ली इवॉल्व बग टाइप पोकेमॉन, आई विल गिव यू समथिंग कूल इफ यू डू। अच्छा तो बग इवोल्यूशन भी उसको दिखाना पड़ेगा बी ड्रिल बनने के बाद। अब क्या क्या हो गया, मेरे पास कुछ भी अभी ऐसा इवॉल्व वाला बग टाइप है नहीं, ठीक है? एंड इससे बात करके देखते हैं। हे आई नीड योर हेल्प, आई लॉस्ट माई रिवाइव व्हाइल सिटिंग ऑन अ बेंच अर्लियर एंड आई एम वरीड सिक, आई विल नेवर बी एबल टू डिफीट ब्रॉक विदाउट इट, प्लीज वॉन्ट यू हेल्प मी फाइंड इट? यस ओके थैंक यू, आई हैव बीन सिटिंग ऑन सो मेनी बेंचेस टुडे सो आई डोंट नो ऑन व्हिच वन आई लॉस्ट। तो गाइज टीनो ने गाइज मुझे मिशन दिया, एक के लिए गाइज मुझे रिवाइव ढूंढना पड़ेगा, एक के लिए गाइज लाना पड़ेगा गाइज 3 टाइनी मशरूम एंड एक के लिए तो गाइज बग टाइप को इवॉल्व करा के दिखाना पड़ेगा। हेलो यू मस्ट बी न्यू हियर, इन मैनी सिटीज यू विल फाइंड होटल्स जस्ट लाइक दिस वन, लोकल रेसिडेंट्स गेदर हियर व्हेन दे सीक द हेल्प ऑफ ट्रेवलिंग पोकेमॉन। ओके कुछ जर्नल मिला गाइस, क्वेस्ट जर्नल। एज फॉर मी आई विल ऑल्सो गिव यू रिवॉर्ड्स फॉर हेल्पिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, दीज आर योर करेंट स्टेट्स अकॉर्डिंग टू माई इंटेल, एक्सेप्ट क्वेस्ट 3 इन प्रोग्रेस। अच्छा समझ में आ गया गाइस, तो गाइस ये बंदा एक मेरे को जर्नल दिया
एंड गाइज ये क्वेस्ट ट्रीज़ो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इन तीनों के क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद शायद से गाइज ये मेरे को कुछ रिवॉर्ड देने वाला है, ये साइंटिस्ट भी। गाइज मुझे तो इधर से निकलना है, बट पहले मुझे इसके साथ बैटल नहीं बात करना पड़ेगा। कुछ देगा वेगा कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं दिया। अरे चलो गाइज इधर से निकलते हैं। अब गाइज सीधा जाएंगे ब्रॉक के साथ बैटल करने के लिए। एंड आई थिंक मैं ब्रॉक के जिम में पहुंच चुका हूँ। नो गाइज ये तो ब्रॉक का जिम है नहीं। जिम कहाँ पे था? ये भी जिम नहीं था। अरे ब्रॉक का जिम किस तरफ था फिर? ये था क्या? नहीं, इसके साथ बात करके देखते हैं। When you are having a rematch with a trainer, you are allowed to forfeit the match at given time. अच्छा, मेरे को तो गाइस यहाँ पे ब्रॉक का जिम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पे बेंचेस है ना, बेंच का चीज मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे जिम ढूंढना है यार। ये है गाइस जिम, चलो गाइस घुसते हैं। अब गाइस ब्रॉक के साथ मैं बैटल करने वाला हूँ, पर उससे पहले गाइस ब्रॉक के ट्रेनर के साथ भी बैटल करना पड़ेगा ना। चलो गाइस बैटल करते हैं। कमान आ जाओ, क्या पोकेमॉन है आपके पास? जियोडेन। अरे बाप रे गाइस, ये जियोड्यूट और निडोडेन का गाइस विकसित फॉर्म है, फ्यूजन फॉर्म है, सॉरी विकसित बोल रहा हूँ। एम्बर मारा, एम्बर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो, डबल किक यूज कर रहे गाइस। क्या करो गाइस? गाइस फायर टाइप तो काम ही नहीं आएंगे यार, इसमें ना पावरफुल ग्रास टाइप एंड फ्लाइंग टाइप काम आएंगे। स्क्रैच यूज करा, ये डबल किक फिर से यूज कर रहे हैं। अरे गाइस चार्मेंडर कर नहीं पाएगा, गाइस चार्मेंडर कर नहीं पाएगा यहाँ पे, बट स्टिल देखते हैं। रोल आउट यूज कर रहा है गाइस। अरे अरे फेंट हो गया ब्रो, फेंट हो गया गाइस। मुझे ना पिटगे को यूज करना पड़ेगा, मतलब पिज्जी को। बार बार यहाँ का यहाँ पे नाम पिटगे क्यों दिखाई दे रहा है यार? पिज्जी है ना गाइस। फाइट, टैकल मारते, चलो रोल आउट यूज कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे को भी अच्छा खासा डैमेज मिलेगा। आई थिंक मर ही जाएंगे यार गाइस। क्या होगा गाइस अभी? चलो गाइस वीआर को यूज करते हैं। ग्रास टाइप मूव तो डेफिनेटली काम आएगा, एब्जॉर्ब मारेंगे तो। रोल आउट मत यूज कर यार, ये भी हारेगा गाइस। अरे यार गाइस अब तो कोई पोकेमॉन है ही नहीं, हुटूट को यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करूं गाइस? हिप्नोसिस। गया 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 गाइस। हार्ड मोड में मैंने खेल के गलती करा, बट चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट मुझे चैलेंज मिल रहे हैं ना इस बार, बहुत बढ़िया बढ़िया चैलेंजेस मिल रहे हैं गाइस। इस बार मेरे को यहाँ पे जिम के पोकेमॉन ट्रेनर्स ही हरा रहे हैं यार, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा गाइस। टैकल यूज करा मैंने इसको, पर कुछ भी नहीं हुआ। रन कर पाएंगे क्या? यस गाइस फॉरफिट ही करते हैं यार। चलो यार हार गए यार, शायद से मुझे अपने चार्मेंडर को लेवल अप करा लेना पड़ेगा, एंड देन गाइस मैं फाइट कर पाऊंगा गाइस ब्रॉक के साथ, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे मेरे को सेंट्रेट मिल रहा है, चलो गाइस मारते हैं इसको। एम्बर यूज कर। ओके हरा हरा हरा। गाइस एक चीज करो क्या गाइस, मुझे शायद से ब्रॉक को हराने के लिए एक बहुत ही कमाल का चीज करना पड़ेगा, और वो है गाइस मैं अभी डीएनए स्प्लाइसर यूज करने वाला हूँ। और कैसे क्या करने वाला हूँ आप लोग देखिएगा, मैं चार्मेंडर और वीआर को फ्यूज करने वाला हूँ। एक मिनट गाइस, पहले तो इसको अनफ्यूज कराना पड़ेगा ये, वेट ए सेकेंड गाइस, इसको अनफ्यूज करा लेते हैं। ओके अनफ्यूज हो जा ब्रो। अरे क्या हो गया? चार्मेंडर और स्पिन रैक इन दोनों को फ्यूज करा के गाइस ये बग फायर। ओ इसमें गाइस टाइप भी अलग अलग होंगे, बग फायर और फायर पॉइजन, ये बनाते हैं। चलो गाइस देखते हैं गाइस कैसा क्या बनेगा, चलो देखते हैं। ओके 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 ओके। अरे बाप रे ये तो खतरनाक नजर आ रहा है यार, स्पिनामेंडर गाइस। ओके अब गाइस ये बग फायर ये ज्यादा अच्छा था, एक मिनट गाइस, या फिर वो दूसरा वाला अच्छा था? गाइस मैंने स्पिनामेंडर तो बना दिया, बट गाइस मुझे फिर से अनफ्यूज करना है। मैं इसलिए अनफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे देखना था वो जो पहला रूप है वो कैसा होगा, ठीक है? इसको और गाइस इसको फिर से मैं फ्यूज करने वाला हूँ। ओके क्या स्पिन रॉक कैन बी फ्यूज? अरे ब्रो इसके साथ ये और ये वाला बनाते हैं, दिखेगा कैसा वो देखते हैं। चलो अद्भुत दिखेगा वो तो फॉर श्योर गाइस, वियर्ड दिखेगा गाइस, देख सकते हो वियर्ड दिख रहा है, इतना भी वियर्ड नहीं दिख रहा है गाइस, इतना भी वियर्ड दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। फायर पॉइजन टाइप है गाइस ये।
ब्लेज और क्वाइट स्पेशल अटैक और ओके मैं गाइस आई थिंक यही बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लग रहा है गाइस रॉक टाइप आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट बग टाइप, रॉक टाइप आर वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट बग टाइप, तो इसलिए फायर पॉइजन ही सही है। एंड गाइस बग अटैक इन्फेस्टेशन आई थिंक कॉन्स्ट्रिक्ट नो, ठीक है गाइस गिव अप ऑन स्क्रैच यस ओके, ग्रोल भी नहीं चाहिए, ग्रोल भी नहीं चाहिए, ग्रोल भी नहीं चाहिए, गिव अप ऑन ग्रोल यस मैंने सही करा गाइस सही करा, बट एम्बर तो डेफिनेटली सिखाना पड़ेगा गाइस, एम्बर सिखाएंगे गाइस, यस गाइस डन। और भी कुछ स्मोक स्क्रीन नो 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 नो, अरे ब्रो स्मोक स्क्रीन नहीं सिखाना है, ओके गाइस डन हो गया। अब चलो गाइस देखते हैं, पहले तो मुझे थोड़ा बहुत बैटल करना पड़ेगा ठीक है इस वाले पोकेमॉन को लेकर के, चलो फाइट करते हैं। यहाँ पर रेटाटा आएगा है लेवल 4 का, मैं गाइस पिडेटा को भेज रहा हूँ गाइस, ये पिडेटा को मैंने क्यों भेजा भाई, पिडेटा को भेजना ही नहीं चाहिए। एंड ये देख सकते हो चड़क स्पिन रक और चार्मेंडर का ये फॉर्म है चड़क ओके तो गाइस मेरे पास बहुत कमाल कमाल के मूव्स है, इन्फेस्टेशन व्हाट इज दिस, चलो गाइस मैं एम्बर यूज करता हूँ, कमॉन हराओ 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 इसको, यस 80 नहीं एक्सपी पॉइंट्स मिले क्या, और भी फाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा गाइस, सेंट्रेड फिर से आ गया, पिट गे को भेजा ओके पिजी यू हैव टू यूज टैकल ठीक है, पिजी के पास अगर एक फ्लाइंग टाइप मूव आ जाएगा तब यार ब्रॉक को हराने में काफी बढ़िया लगेगा, बिकॉज फ्लाइंग टाइप आर वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट आई थिंक रॉक टाइप, आई थिंक नहीं शायद से है ही गाइस। फिर से गाइस यहाँ पे आ गया है पिजी, मैं फिर से भेज रहा हूँ अपने पिजी को, चलो गाइस टैकल यूज करता, आई थिंक गाइस पिजी का स्पेलिंग यही था ठीक है, ये पिटगे नहीं है गाइस, कल एक्चुअली पिटगे करके एक फ्यूजन बना था ना, तब से लेकर के गाइस मैं पिटगे ऐसे ही बोल रहा हूँ, सिटी पहुंच चुके मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस मैं फिर से हारने वाला हूँ, देखते हैं गाइस क्या होगा अभी, बट मेरा गट फीलिंग ऐसा बोल रहा है कि गाइस मैं हारने ही वाला हूँ, पता नहीं अब क्या ही होने वाला है। कहाँ पे था गाइस, जिम ऊपर की तरफ था ओके, ये क्या है गाइस एक बार घुस के देखूं क्या, व्हाट इज दिस ओके यहाँ पे फॉसिल है गाइस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द रेयर प्रीहिस्टोरिक पोकेमॉन फॉसिल्स वी हैव ऑन डिस्प्ले इन द म्यूजियम, अच्छा गाइस ये फॉसिल म्यूजियम है, द फॉसिल्स डिस्प्लेड हियर वेयर पोकेमॉन दैट लिव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स अगो रियली पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव डजंट इट ओके, तो गाइस एक काम करते हैं इनसे बात करके देखते हैं, वेलकम टू द प्यूरसी म्यूजियम द एंट्री इज फ्री एंजॉय योर फॉसिल्स ओके गाइस, अरे बाप रे ये क्या है गाइस ये फ्यूजन है शायद से किसी का, ड्यू टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर द डीएनए ऑफ रॉक टाइप पोकेमॉन रिमेंस कंप्लीटली प्रिजर्व इवन आफ्टर मिलियन ऑफ इयर्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस पोकेमॉन कैन बी जेनेटिकली क्लोन इनटू लिविंग क्रिएचर्स ए फीट दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव विद प्रीहिस्टोरिक पोकेमॉन ऑफ अदर टाइप, बट ये है क्या चीज गाइस, एरोडैक्टाइल और गाइस कबूतर का गाइस फ्यूजन रूप है क्या, आई विल टीच यू द मड स्लैब ओके गाइस ये मड स्लैब सिखाने वाला है, which fossil can be revived into the Pokemon Kabuto? Doom fossil, bhai. Okay, question 2. What is the only fossil Pokemon that cannot evolve? Only fossil Pokemon that cannot evolve? Obviously, Aerodactyl, yaar. Which of these Pokemon can be regenerated from the skull fossil? I'm not sure, guys. Cubone bhi ho sakta hai, Carnidos bhi ho sakta hai. I think, guys, Carnidos hoga. Chalo, Carnidos, yes. As promised, I will teach you the move Mud Slap to one of your Pokemon. Which Pokemon needs tutoring? तो गाइस किसको सिखाऊं गाइस पिटगे को सिखाऊं क्या, नहीं चड़क को सिखाते हैं मड स्लैब, क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट मूव होगा गाइस, मड स्लैब ग्राउंड मूव है तो ऑब्वियसली गाइस शक्तिशाली होगा, मैं बग ये इन्फेस्टेशन हटा देता हूं गाइस, क्योंकि बग टाइप तो काम ही नहीं आएगा गाइस, ब्रॉक के जिम में गाइस बग टाइप मूव्स काम नहीं आएंगे। अब निकलते हैं गाइस, अब फिर से फाइट करेंगे ठीक है, लेट्स गो फिंगर्स क्रॉस। एंड एक मिनट गाइस जाने से पहले यहाँ पे एक बंदा है, ए पोकेमॉन ट्रेनर आई बॉट बैक दिस स्पेशल फ्लूट फ्रॉम माई ट्रेवल, शो मी दिस सिटीज बेस्ट एंड इट इज योर्स, अरे ओके ठीक है एक पोकेमॉन फ्लूट देने वाला, आई थिंक गाइस ये वो फ्लूट होने वाला है जिससे हम लोग पोकेमॉन को जगा सकते हैं, चलो गाइस बैटल करते हैं, आ जाओ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिफीट हर नाउ ओके। जियोडन फिर से आ गया, लेवल 10 का है, मैं चड़क को भेज रहा हूँ, अब मजा आने वाला है ब्रो, अब मैं मड स्लैब यूज करने वाला हूँ एंड ये सुपर इफेक्टिव मूव है, यस क्या करोगे गाइस क्या करोगे हैं, खत्म जियोडन हो गया खत्म, कितना एक्सपी पॉइंट्स मिलेगा देखते हैं, अच्छा खासा एक्सपी पॉइंट्स मिला यार, अच्छा खासा एक्सपी पॉइंट्स मिला, एंड लेट्स गो अब इस बंडे को हराते हैं,
अब देखते हैं इसके पास कौन सा वाला फ्यूजन पोकेमन होने वाला। आई थिंक इसके पास दो पोकेमन होगा। यस, दो पोकेमन जियो पाए। अरे बाप रे गाइस, ये कैटरपी का गाइस रॉक टाइप फॉर्म है गाइस। अगर कैटरपी गाइस एक रॉक टाइप पोकेमन होता तो ऐसा ही दिखता गाइस। ओके तो यहाँ पे कैटरपी भी है ना। अगर गाइस मैं एम्बर यूज करूँगा तो इसको फर्क पड़ेगा। ओके फर्क तो पड़ा गाइस, बट इतना भी नहीं। चलो गाइस मैं एम्बर मार के इसको हराने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि कैटरपी का भी थोड़ा बहुत डीएनए है ना। यस यस यस, ओके। डू यू वांट टू स्विच पोकेमन? यस, आई वांट टू स्विच पोकेमन एंड आई वांट टू सेंड पीजी। अब गाइस मैं पीजी को भेजने वाला हूँ। जाओ पीजी, आ गया पीजी। सेंड ड्यूड, गाइस ड्यूड और सेंसलेस का गाइस ये फ्यूजन फॉर्म है। चलो गाइस टैकल मारते हैं, कुछ नहीं होगा गाइस। ये डिफेंस कर्ड यूज कर रहे हैं। मैं क्या करूँ गाइस, सैंड अटैक मारूँ क्या इसके ऊपर? इसका एक्यूरेसी गिरेगा ना। यस गाइस, अब यार टैकल मार के तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि दोनों रॉक टाइप पोकेमन है गाइस। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं चरक को भेजने वाला हूँ फिर से। पीजी आजा, चरक तू जा। ओके चलो गाइस फाइट करते हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ अगर ओनिक्स और चार्जर्ड को मैं फ्यूज करा दूंगा तो कैसा वाला पोकेमन निकल के आएगा यार? स्ट्रॉन्ग वाला पोकेमन निकल के आएगा वो तो फॉर श्योर है। ये पॉइजन स्टिंग मार रहे हैं मेरे ऊपर, प्लीज पॉइजन मत हो जाना। ओके गाइस पॉइजन टाइप मूव का कोई काम नहीं आया क्योंकि गाइस मेरा ये फायर पॉइजन है, ठीक है, एंड मैं लेवल 12 पहुंच चुका हूँ। चरक वांट्स टू लर्न स्कैरी फेस? नो, आई डोंट वांट टू टीच हिम स्कैरी फेस। ठीक है, मैंने इसको हरा दिया गाइस। अब गाइस ब्रॉक को हराना बाकी है, बट गाइस ब्रॉक को हराने से पहले मुझे यूज करना पड़ेगा पोशन चरक के ऊपर। एंड यस, चरक के ऊपर ही बस यूज करना था। चलो गाइस अब हराते हैं ब्रॉक को। आई एम ब्रॉक, आई एम प्यूटर सिटीज जिम लीडर। आई बिलीव इन रॉक हार्ड डिफेंस एंड डिटर्मिनेशन, दैट्स व्हाई माय पोकेमन आर ऑल द रॉक टाइप। डू यू स्टिल वांट टू चैलेंज मी? फाइन देन, आई इन जिम बैटल्स यू आर रियली अलाउड टू यूज एज मोनी पोकेमन एज द जिम लीडर। सिंस दिस इज योर फर्स्ट जिम बेस्ट, आई विल बी यूजिंग टू पोकेमन। ओके प्लीज चूज द पोकेमन यू यूज टू यूज फॉर बैटल। मैं सिर्फ गाइस दो ही पोकेमन को यूज करने वाला हूँ क्या? बट चारक को यूज करने वाला हूँ और गाइस किसको यूज करूंगा? इसके पास कोई फ्लाइंग टाइप मूव है ही नहीं, सोच में पड़ गए ब्रो। और भी पोकेमन को यूज करा पाऊंगा क्या? ओ नो, मोर देन टू पोकेमन को एंटर नहीं करा सकते गाइस। कितना डिफिकल्ट है यार ये गेम, टू वर्सेस टू ही होने वाला है मतलब। चलो जी जियोगे पिजी और गाइस जियो डूड का फ्यूजन फॉर्म। चलो मैं यूज ओके रॉक टू में यूज करा था इसे। और गाइस ये फ्लाइंग टाइप है ना, मैं तो भूल ही चुका हूँ। एम्बर यूज करते हैं। चलो मैं हारूंगा गाइस। शिट मैन, गाइस क्या होने वाला है अभी? सोच में पड़ गया हूं। गया गया, काम करता हूं। बैग से पोशन यूज करते हैं। ओके गस यूज कर रहा है। अगर गाइस मैं पिटगे को हरा देता हूँ, आई मीन पिजी जियोगे को। अरे यार क्या बोल रहा हूँ यार, पिटगे क्यों बोल रहा हूँ आज यार। ओके आई थिंक मैं हरा पाऊंगा गाइस जियोगे को। यस गाइस हरा दिया, जियोगे को मैंने हरा दिया। इसका मतलब गाइस ओके अभी गाइस ये डेफिनेटली गाइस ओनिक्स को भेजने वाला है। मैं पिजी को भेजता हूँ एंड पिजी को भेजते ही गाइस मैं बैग से गाइस पोशन यूज करूंगा गाइस अपने चरक के ऊपर, ठीक है। डिग्निस गाइस, ये डिग्लेथ और गाइस ओनिक्स का फ्यूजन फॉर्म है लिटरली मैन। अरे ओके ओके बैग पोशन ओके चरक के ऊपर दे दिया हूँ। ये रॉक टूम यूज कर रहा है, मैं तो एक ही बार में हार जाऊंगा शायद। यस गाइस हार गया हूँ। ये लेवल 14 का है ब्रो, आई डोंट नो अब क्या होगा गाइस। चलो यूज करते हैं गाइस। क्या मत स्लैब यूज करो प्लीज, हार मत जाना यार दोस्त। ये गाइस अगर ऐसे ही चलेगा तो ब्रॉक को तो मैं हरा ही नहीं पाऊंगा यार।